हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समारी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका ट्रेड डीजन मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं आईटीआई के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कूलिंग एवं लुब्रिकेटिंग सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने भी कई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, यह क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा पूरा क्वेश्चन को जानने के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिंस का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में जो होता है आपको सिलेंडर हेड पर फिंस का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, ये आपका इसका आंसर आपको एयर कूलिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा आपसे, पूछा जा रहा है एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने के लिए कौन सा हिस्सा मदद करता है, यानी कि एयर कूलिंग इंजन जो होता है, एयर कूलिंग जो इंजन होता है, इसमें गर्मी को कम करने के लिए कौन सा हिस्सा मदद करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, सिलेंडर और जो हेड फिंस लगा होता है ये आपको गर्मी को कम करने के लिए हिस्सा ये मदद करता है। ओके, यानी कि सिलेंडर और हेड फिंस, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में पूछा गया है, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम होता है, यानी शीतलन की दर बहुत कम होता है किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्मोसाइपन सिस्टम। क्या हो जाएगा? थर्मोसाइपन सिस्टम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पूछा गया आपको फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम पर में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है, यानी कि फोर्स फीड इंजन जो होता है उसको कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको पंप के द्वारा किया जाता है परिचालित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है, यानी कि वाटर पंप में जो पानी का रिसाव होता है वो किस भाग को रोकता है, यानी कि किस भाग को रोकता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको सील, यानी कि सील जो लगा होता है ये आपको क्या होता है, रिसाव को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आईटीआई डीजल मैकेनिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो चैप्टर से बनते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। ओके, और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और आप लोग चाहते हैं कि इसका थ्योरी भी हो, यानी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, तो थ्योरी का भी क्लास आपका मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसको, शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है, यानी शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ पे होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, रेडिएटर लोअर टैंक पे होता है पानी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है नेक्स्ट आता आपका जो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, पूछा गया थर्मोस्टेट वाल्व को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट के पास ये लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, यानी कि ये जो आपको देख रहे हैं ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है आपको क्या, रेडिएटर कैप है, ये आप देख रहे होंगे रेडिएटर कैप है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं आपको पानी पंप एम्प्लायर है, क्या है, पानी पंप एम्प्लायर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी पंप एम्प्लायर है ये आपका। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पूछा गया आपसे एक्स के रूप में चिन्हित विधानसभा का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित विधानसभा का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो आपका है तेल पंप है, क्या है, ये तेल पंप है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तेल पंप है। ओके,
चलिए नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये भी पूछा गया। आपका मशीन है ओके, ये मशीन जो है आपको एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग जो है ये क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये आपको तेल पंप है छलनी, ये तेल पंप छलनी यानी तेल जो यहाँ पर डालते हैं वो पंप के तो ये छलनी करते हैं यानी कि छाल के यानी छान के आपको ये जाता है अंदर मशीन की ओर ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम का, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये वाला ये क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो आपको है तेल फिल्टर है, ये क्या है तेल फिल्टर है। जब हम लोग तेल डालते हैं ओके मशीन में, किसी मशीन में हम तेल डालते हैं तो ये आपको फिल्टर करके ये तेल जाता है ओके, ताकि मशीन क्या हो मशीन का कोई भी पार्ट जो नुकसान ना हो ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, स्नेहक का गुण कौन सा, यानी स्नेहक का गुण जो होता है आपको, ये स्नेहक का गुण जो होता है लेकिन ल्यूब्रिकेंट का जो गुण होता है वो कौन सा गुण है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये आपको तेल की चिपचिपाहट ऑपरेटिंग परिस्थितियों को के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि तेल की चिपचिपाहट क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए ओके, यानी ये ल्यूब्रिकेटिंग का सिस्टम का ल्यूब्रिकेंट का ये आपका फायदा है ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस स्नेहन प्रणाली को अलग तेल टैंक का उपयोग किया है, यानी कि किस स्नेहन प्रणाली में ने अलग तेल टैंक का उपयोग किया है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको सूक्ष्म नमादान स्नेहन ओके, यानी सूक्ष्म नमादान स्नेहन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, दो स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार की स्नेह प्रणाली का उपयोग किया है, यानी दो स्ट्रोक इंजन होता है उसमें किस प्रकार का स्नेह का यानी कि लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोल तेल की चिकनाई, पेट्रोल तेल की चिकनाई का उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ओके, ये जो इंजन किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित भाग किया गया, यानी कि ये जो इंजन है आपका ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है ये वाला आपका एक्स के रूप में ये किसका क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये जो आपका तेल पंप है क्या है, ये तेल पंप है आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है तेल पंप है ओके, यानी हम लोग तेल जो पंप जो करते हैं उससे क्या होता है तेल निकलता है ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपको सी ऑयल पंप ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा भाग तेल पंप चलता है चलाता है, यानी कौन सा भाग जो है तेल पंप चलाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कैम सॉफ्ट जो होता है आपको तेल पंप चलाता है कैम सॉफ्ट ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये क्रैक सॉफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैक पिन में प्रवाहित होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रैक सॉफ्ट मुख्य जर्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कौन सा उपकरण तेल के तेल से चूसता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंप जो है ये करता है ओके, यानी चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एयर कूल्ड इंजन में धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं, यानी एयर कूल्ड इंजन जो होता है उसमें धातु जो पंख लगाए जाते हैं वो कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा सिलेंडर और हेड के बीच, सिलेंडर और हेड के बीच ये लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचालन कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी थर्मोसाइफन प्रणाली में जो होता है पानी का संचालन जो होता है कैसे प्राप्त किया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको गर्म और ठंडे पानी की घनत्व से होता है ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी थर्मोसाइफन सिस्टम जो होता है उसमें जल का स्तर जो गिर जाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये आपको परिसंचरण जो होता है बंद हो जाता है, यानी परिसंचरण बंद हो जाता है ओके सिस्टम में जल के स्तर गिरने से ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है, यानी कि पंप संचलन जो होता है शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा बेल्ट के द्वारा ये मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति में घुलता है? ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा आपको, इंजन का ऑपरेटिंग तापमान के द्वारा ये घुलता। क्या होता है? इंजन का ऑपरेटिंग तापमान जो होता है उसके द्वारा ये घुलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित, यानी रेडिएटर जो हम लोग हटाते हैं, पूछा गया वो चीज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोड्यूड, यानी कि रेडिएटर जो हम लोग हटाते हैं किससे संबंधित, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि रेडिएटर के साथ जो सभी जो जितने भी कनेक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस क्लियरिंग मेथड, यानी कि सफाई विधि का नाम क्या, ये जो सफाई विधि है, ये जो हम लोग सफाई करते हैं, ये मशीन जो कुछ साफ करते हैं, ये जो विधि है, ये इंजन का, एयर का, वाटर का, इस विधि का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इस विधि का नाम जो आपको रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, क्या है, रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम है ये, इसका नाम क्या है, रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम है। ओके, आप लोग याद रखिएगा रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको कि हवा बंदूक के दबाव के साथ फ्लशिंग पानी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ है, यानी इंजन में जो हम लोग फिट करते हैं तेल कूलर वो कहाँ पे है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको इंजन ब्लॉक, यानी इंजन ब्लॉक जो होता है वहाँ पे हम लोग फिट करते हैं, क्या करते हैं, तेल कूलर, वहाँ पे आपको फिट कर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके, संहायक का मुख्य उद्देश्य क्या, यानी संहायक जो है, यानी लुब्रिकेंट जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, घर्षण को कम करना है। हम लोग संहायक क्यों लगाते हैं, यानी कि हम तेल जो लगाते हैं या गीस जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं मशीन में, जबकि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लगाते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, संहायक क्या, संहायक हो गया तेल हो गया, घर्षण हो गया तेल हो गया, आपका गीस जो लगाते हुए ये क्या हो गया, संहायक हो गया, यानी कि लुब्रिकेंट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा गया आपसे, संहायक प्रणाली किससे संबंधित है, यानी संहायक प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा चलने वाले भागों के पहनने और आंसू को कम करे, ये आपका संबंधित है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंजन ब्लॉक जो है उसमें पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा पानी की विलायक को इंजेक्ट करके, यानी पानी की विलायक जो होता है उसको इंजेक्ट करके लगाया क्या नीचे के लिए विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूबों की जांच कैसे करें, यानी कि क्षतिग्रस्त रेडिएटर जो होता है उसके कोर जो होता है उसको ट्यूबों की जांच कैसे किया जाता है, ये पूछा गया, यानी कि चेक विजू अली के द्वारा किया जाता है, यानी कि चेक विजू अली के द्वारा किया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, अगर आप लोग ITI CBT एग्जाम देने वाले हैं और आपका ट्रेड मैकेनिकल डीजल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो वीडियो को इन तक बने रहिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।